गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपको लेसन 8 चैप्टर पढ़ा रहे हैं माई सिली सिस्टर मदर मदर योर बेबी। इसलिए जो बच्चा है वह अपनी माँ से कह रहा है, माँ जो तुम्हारी बच्ची है सिली वे बहुत सॉरी जो तुम्हारी बच्ची है वह बहुत नटखट है। सी इज सो वेरी चाइल्ड, वे बहुत छोटी है। सी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट इन द सैटेलाइट एंड द स्टार इन द स्काई। और वे जो आसमान में जो तारे चमकते हैं, जब लाइट हमारे ज़मीन पे जलते हैं तो वे सोचती हैं कि डिफरेंट तरह के जो लाइट चल रहे हैं तो वे आसमान में तारे ही चमक रहे हैं। ठीक है, सी थिंग्स पल्सेस एंड सो फूड। और वे पत्थरों को, जो पत्थर होते हैं उससे हम जब खेलते हैं तो वे क्या सोचती हैं कि मैं इसे, ये कोई खाने वाली चीज़ है। ठीक है, सी इवन ट्राई टू द पुट इम्पल्सेस इन टू द हर इन माउथ। और वे उसे मुंह में भी डाल लेती है। आई थिंक सी इज जस्ट स्टूपिड, मुझे लगता है वे बहुत बेवकूफ़ है। व्हाई डिड यू रियल हर इन हेड हर वन आई एस्क हर टू ओपन ए बुक एंड रीड ए बी सी। सी बिगिन टू ट्राई द पेजेस एंड स्टार्ट इज लाफिंग। जब हम उसे ओपन बुक ओपन करके ए बी सी पढ़ाना चालू करते हैं तो वह क्या करती है, पेजेस को स्टार्ट करने से पहले बहुत हंसने लगती है। आई डज नॉट थिंक सी विल इवन लर्न एनी थिंग, और वो कुछ भी याद नहीं करना चाहती है। लुक व्हेन आई स्क्यूड हर सी लाफिंग, वे बहुत ज़्यादा हंसने लगती हैं। हाउ स्टूपिड, कैसे ये स्टूपिड है। टू व्हेन द कैचेस इन मून, और वे चाहती हैं कि मैं कैच कर लूँ मून को। व्हेन फादर इज अवे आई प्ले फुल कॉल आउट फादर, अगर हम खेलते रहते हैं और कहते हैं पापा आ गए, वे सोचती हैं कि पापा सचमुच आ गए, और वे पीछे देखने लगती हैं। सी इज थिंक्स इन फादर होम, लेकिन पापा जो हैं वे घर पर रहते हैं। मदर योर बेबी इज सिली, अब माँ जो तुम्हारी बच्ची है वे बहुत नटखट है। सी इज सो वेरी चाइल्ड, और वे बहुत छोटी है। ठीक है, ये हमारा 8 लेसन जो है कंप्लीट हो गया। इसका जो क्वेश्चन आंसर जो कंप्लीट और वर्क है, सॉरी इसमें क्वेश्चन आंसर तो है नहीं, टिक द करेक्ट है और नो और यस का ऑप्शन वाला जो ये दे रखा है ये आपको करना है कंप्लीट। ओके, ये आपको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पे, जल्दी भी जाता होगा। थैंक यू फॉर क्लास।